के वापिस आ रहा है। अरे भाई ओ माय गॉड। तो अभी है ना सीन हो गया है, सीन क्या हुआ है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं हूँ नॉर्थ कैरोलिना में, और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं अमेरिका के 50 स्टेट्स में ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं 38 स्टेट ट्रैवल कर चुका हूँ, 12 स्टेट्स बचे हैं जिनको कंप्लीट करना है। जो है मैं कनाडा से जो अलास्का जा रहा हूँ, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को साथ में लेके जाऊंगा, और इसमें बहुत सारे मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। जब और ट्रैवल करूंगा तो रास्ते में आप लोगों को बताता जाऊंगा मैं। और जो अपनी वैन है इसमें भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एक तो मैंने स्टिकर्स लगाए हैं, पहले मैं स्टिकर्स वगैरह इसलिए नहीं लगाता था कि लोगों को पता ना चले कि मैं इसमें सोता हूँ, बट अब अगर पीछे मोटरसाइकिल होगी ना तो सबको पता है मैं इसके अंदर ही हूँ। तो अपनी जो बसंती है ना ये 2.0 हो गई है, अंदर भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को रास्ते में दिखाऊंगा। तो अभी ना यहाँ पे मैं पार्किंग लॉट में रुका हूँ मोटरसाइकिल को चेक करने के लिए कि जितने मैंने स्ट्रैप्स बांधे हुए हैं ये टाइट है या नहीं है। तो सो फार दोनों तो टाइट है, चार बांधे हुए हैं मैंने, ये भी टाइट है, ये भी फुल्ली टाइट है। तो यही है, जहाँ पे भी मैं रुकूँगा तो हमेशा जो है स्ट्रैप्स को मैं चेक करता जाऊँगा। और काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि जो आपका कैरियर है ये कितने पाउंड का है, तो ये है 600 पाउंड, और जो ये मेरी मोटरसाइकिल है ना ये है 420 पाउंड की। तो ये इजीली इसके ऊपर आ जाती है, 180 पाउंड मैं और डाल सकता हूँ। तो इस वजह से काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई आपने मिटी और 350 क्यों ली, आपने 650 क्यों नहीं ली। तो जब मैंने जनवरी में ली थी ना तो 650 आई नहीं थी उस टाइम, और 350 थी, और 350 का जो वेट है ना 650 से बहुत कम है, तो 650 इसके ऊपर आ भी नहीं पाती क्योंकि 650 बहुत लंबी थी। तो अगर आप लोग ये बैग देखोगे ना तो बिल्कुल इसके एंड में आ रहा है, और 650 थोड़ी लंबी हो रहा है, और ये टायर भी देखोगे तो यहाँ पे फिक्स हो रहा है। तो ये जो बाइक थी ना ये परफेक्ट थी इस कैरियर के ऊपर कैरी करने के लिए। वहाँ पे एक्सीडेंट देखो, कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पलटी हुई है, ये देख रहे हो ये गाड़ी पलटी हुई है, कितने सारे पुलिस वाले आए हुए हैं। तो अभी है ना सीन हो गया है, सीन क्या हुआ है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मोटरसाइकिल तो सही बंधी हुई है मगर ये जो टायर देख रहे हो आप लोग, इसमें ना पंचर हो गया टायर में, ये देखो फ्लैट होता जा रहा है। मैं 2-3 बार इसके अंदर एयर भर चुका हूँ, इसमें एक बार पहले भी पंचर हो चुका है, तो ये सेकंड टाइम है जो कि इसके अंदर पंचर हो गया। तो मैं सोचा कि अलास्का जा रहा हूँ तो टायर चेंज ही करा लेता हूँ। अभी भी ये टायर है ना कम से कम मान लो 10-15 हज़ार माइल आराम से चल जाता, बट अब इसमें 2 पंचर हो गए तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। टायर्स एंड दिस साइड यू गाइस हैव इट हियर, सो फ्रंट और बैक टायर, बैक टायर, ओके नो प्रॉब्लम। Have a seat, man. I'll get you fixed. Oh, you might have to take the bike off. Oh, I have to take the bike off? Yeah. Okay. Yeah, so just when you get the bike down, come back in and we'll get you fixed up, okay? Okay, I will. Sir, tire जब तक ये लोग इसका टायर चेंज करते हैं जब तक हम लोग चलते एक राइड लेने के लिए। यहाँ से है 26 मिनट की राइड इंडियानापोलिस के लिए, तो निकलते हैं। तो आज से पहले भी मैं आ चुका हूँ इंडियाना में, इंडियानापोलिस में, और मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे स्पेशली डाउनटाउन में। तो उसके आसपास का एरिया मैंने नहीं देखा था, तो मैं सोचा कि चलो आज आसपास का एरिया देखते हैं। तो देखो मोटरसाइकिल का यही फ़ायदा है यार कि अगर मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे जाके बहुत सारे काम निपटा सकता हूँ। तो अभी देखो मेरे को वहाँ बैठना पड़ता 1-2 घंटे के लिए, मगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं अपना निकल गया हूँ ट्रैवल के लिए, और मैं यही बेनिफिट है अपनी मोटरसाइकिल का।
अच्छा यहाँ पे अमेरिका में क्या है कि जितने भी स्टेट्स है ना, जो उसकी नंबर प्लेट होती है, जो आप ये सामने देख रहे हैं, इस जो ये ट्रक है इसकी नंबर प्लेट, इस पे लिखा हुआ है इंडियाना, और उसके नीचे ना हर किसी के नीचे एक स्लोगन लिखा होता है। जैसे नॉर्थ कैरोलिना का स्लोगन है फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट फ्लाइट थी ना वो वहाँ पर उन्होंने फ्लाई की थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, और फ्लोरिडा में लिखा हुआ होता है सनशाइन स्टेट, क्योंकि वहाँ पे है ना सबसे ज़्यादा अमेरिका में किसी स्टेट में जो सूरज देखने को मिलता है हर दिन, तो वो है फ्लोरिडा। मेरे को लगा था कि मैं आराम से पहुँच जाऊँगा कैनेडा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट टायर पंचर हो गया। बट मुझे खुशी है कि टायर पंचर अभी यहीं हो गया अमेरिका के अंदर, जहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं ईजली। और अगर यही जो होता ना, आप मान लो कि अलास्का में, आप लोग देखोगे जब मैं अलास्का पहुँचूँगा वहाँ कुछ भी नहीं होगा दूर दूर तक। तो ये एक नेबरहुड है यहाँ का इंडियानापोलिस का, बे साइड वुड्स। तो यहाँ पर देखते हैं लोगों के घर कैसे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जो है टाउन हाउस बने हुए हैं। ये देखो ये भी टाउन हाउस है। टाउन हाउस का मतलब है कि एक ही घर में ना दो अलग अलग फैमिली रहती हैं, उनके अलग अलग डोर होते हैं। तो जैसे अब ये सामने देख रहे हो इनके दो कार गैराज हैं और दो एड्रेस लिखे हुए हैं, एक का एंट्री वहाँ से है और एक की एंट्री यहाँ से है। तो ये यहाँ पे एक इनका छोटा सा पाउंड है, बड़ा क्यूट है यार एरिया, अच्छा लगा मुझे ये। हमेशा मोटरसाइकिल पे ना डर लगा रहता है, यहाँ अमेरिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना वो होते हैं मोटरसाइकिल के। तो ये था, मैं यहाँ से एंट्री की थी और वहाँ से मैंने एग्ज़िट की। तो अभी है ना उनका फ़ोन आ गया है और उन्होंने कहा है कि भैया आ जाओ, आपकी जो वैन है वो रेडी हो गई है। तो फाइनली जो है नए टायर डल गए हैं और ये है ओल्ड सीजन टायर है, क्योंकि मैं अलास्का जाऊंगा तो वहाँ का कोई भरोसा नहीं है कितने लंबे टाइम रुकूंगा, और उसके बाद मैं कैनेडा में हूँ तो कहीं पर भी स्नोफॉल हो सकती है, तो इसीलिए ओल्ड सीजन टायर चाहिए थे। तो ये ओल्ड सीजन टायर है और अब टाइम आ गया मोटरसाइकिल को इस पर चढ़ाने का। अब जो है मोटरसाइकिल चढ़ गई है इसके ऊपर। अब ये जो है ना स्ट्रैप्स हैं ये मुझे बांधने पड़ेंगे। और ये इन टायर का बिल $311 एक्चुअली, इस पर $50 का मुझे डिस्काउंट भी मिला है। अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो $361 के होते ये दो टायर। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता ना तो ये मैं और भी सस्ते ले सकता था, बट अभी मेरे को इमरजेंसी में चाहिए था। और ये देखो इनका ऑफिस भी बंद हो गया है, सब लोग चले गए हैं, मैं यहाँ पे लास्ट तक बचा हुआ हूँ, और बाइक भी बंद गई है। तो अब निकलते हैं यहाँ से अपनी राइड पे। खाना कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग निकलते हैं कनाडा बॉर्डर की तरफ। ये देखो अभी ये हिरन क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, ये देखो ये वापस आ रहा है। अरे भाई ओ माय गॉड, तो अभी बाल बाल बच गया नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। मैंने देखा दूर से ना चार पांच हिरण क्रॉस कर रहे थे रोड, तो उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, उनमें से ज्यादातर जो हिरण थे ना वो राइट साइड में रुक गए, बट एक हिरण ने ना रोड क्रॉस कर लिया और उसने जब मुड़ के देखा ना कि उसके जो भैया साथ में जितने भी हिरण थे वो राइट साइड में रुक गए, तो उसने डिसाइड किया कि वो वापिस जाएगा। और मैंने इसीलिए ना धीरे कर लिया था, क्योंकि जानवर है उसका कोई भरोसा नहीं है कि भैया राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, तभी मैं बच गया। अभी ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये 8:45 है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो दिन का टाइम है। तो अभी आ गया हूँ मैं वॉलमार्ट में और ये यहाँ पर आज भैया मैं कैंपिंग करूंगा वॉलमार्ट की पार्किंग लॉट में। तो ये जो पार्किंग लॉट है ना यहाँ पे मैं करूंगा कैंपिंग, और ये है वॉलमार्ट और सैम्स क्लब का पार्किंग लॉट। तो यहाँ पे है मेरी मोटरसाइकिल, तो मैं हमेशा रात को क्या करता हूँ जो मोटरसाइकिल है ना उसके ऊपर मैं कवर चढ़ा देता हूँ कि किसी को दिखे ना कि ये साइकिल है कि मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पर है मेरा कवर, तो आज ना हवा इतनी तेज चल रही है कवर को बांधने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है।
मोटरसाइकिल के ऊपर कवर चढ़ा दिया है। इससे क्या बेनिफिट है कि लोगों को है ना चीज़ दिखेगी नहीं, और जब चीज़ दिखती नहीं है तो ज़्यादा लोग छेड़ते नहीं हैं, उनको ऐसे डाउट होगा कि साइकिल है क्या है, दूर से इतना पता नहीं चलेगा जब तक कोई पास में नहीं आएगा। तो अभी तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अभी वॉलमार्ट खुला हुआ है, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा तो यहाँ से सब लोग चले जाएंगे। तो मैंने पर्दा लगा दिया है, पीछे भी लगा दिया है, ये जो नई वाली विंडो है इसका भी पर्दा लगा दिया है, ये वाला भी लगा दिया है। अभी मैंने टीवी चला दिया है तो आज मैं मूवी देखूंगा। अभी काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहा था ना तो मूवी देखने का टाइम नहीं मिला था, बट अब मैं देखूंगा। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली अभी मैं कहाँ हूँ। तो ये है जो देख रहे हो, ये अमेरिका का मैप है, यहाँ तक इसके ऊपर जो है ये कैनेडा है। तो अभी मैं हूँ ये वाले स्टेट में, ये है नॉर्थ डकोटा, और ये यहाँ से ये कैनेडा का बॉर्डर है। तो यहाँ से मैं कैनेडा में एंटर करूँगा। तो कल मैं यहाँ पे कहीं आऊँगा, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं कौन सी सिटी में हूँ। तो जब कैनेडा से ट्रैवल करूँगा ना तो यहाँ पर जो इनके स्टिकर्स हैं वो मैं लगाता जाऊंगा, जैसे कि आपने ये देखा ना कलरफुल स्टिकर्स है। तो इन स्टेट में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, वीडियो अच्छी तरीके से बना चुका हूँ, तो वहाँ पे मैं स्टिकर लगाता हूँ। इन स्टेट के अंदर भी मैं कुछ में ट्रैवल कर चुका हूँ, बट मैंने प्रॉपर है ना वहाँ पे सब जगह पे जाके वीडियो नहीं बनाई है। तो जब मैं जाके पूरी वीडियो बनाऊंगा ना, जब मैं स्टिकर लगाऊंगा, अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ कैनेडा से अलास्का की तरफ, और फिर मैं पूरे कैनेडा के अंदर जो है ट्रैवल करूंगा, वो आने वाले टाइम में आप लोगों को दिखेगा। तो अभी मैंने कनाडा का भी मैप ले लिया था और मैंने यहाँ लगा दिया है, तो कनाडा को भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज ना यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, मेरे को है ना मोटरसाइकिल के कवर का लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उड़ जाए। वैसे तो उसमें क्लिप वगैरह मैंने बांध दिया है, होप्स हो कि सिक्योर रहे। तो कल है मैं कनाडा में एंटर करूंगा जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो देखते हैं कि मेरा जो कनाडा का जो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। मैं फर्स्ट टाइम कनाडा जा रहा हूं, और अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से मिलने की। तो अभी तो मेरा जो प्लान है जैसा मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया है कि मैं अलास्का की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरा कनाडा जो है ट्रैवल करूंगा, तब मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों से मिलने की। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा ना, मैंने वॉलमार्ट की पार्किंग लॉट में यहाँ पर मैं आज कैंपिंग कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल फ्री है मेरे लिए। तो इसी तरीके से जब मैं अमेरिका में ट्रैवल करता हूँ ना, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ जो फ्री वाली कैंपिंग साइट मिल जाए। तो उससे क्या होता है कि ट्रैवलिंग थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा चीप हो जाता है, कि मैं ज़्यादा पैसे और चीज़ों पर लगाता हूँ, जैसे पेट्रोल गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। फिलहाल तो जो मेरी वैन है वो डीजल की है, और डीजल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और अमेरिका बहुत बड़ा है। जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो कम से कम मैं $300-$400 का पेट्रोल ऑलरेडी भरा चुका हूँ, और यही मुझे अगर पर नाइट पे कहीं कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी पड़े जहाँ पे मुझे पैसे देने पड़े, तो सोच लो कि $40-$50 वो अलग से हो जाएगा पर नाइट का। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती जाएगी कैंपिंग, फिर खाने पीने के चार्जेस अलग है, और जैसे आप लोगों ने देखा वैन में अभी मेरे को टायर चेंज कराने पड़े, ऐसे ही कुछ भी काम आ जाता है, तो फिर ट्रैवलिंग है ना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल ही हो जाती है। और जब भी मैं इस तरीके के वॉलमार्ट के पार्किंग लॉट में आके रात गुजारना चाहता हूँ जैसे आज मैं कर रहा हूँ, तो मैं वॉलमार्ट वालों को कॉल करता हूँ, इनसे पूछता हूँ क्या मैं आपके यहाँ पे पार्किंग लगा सकता हूँ। तो अगर ये लोग हाँ करते हैं तभी मैं लगाता हूँ, बहुत बार मना भी कर देते हैं। बहुत सारे वॉलमार्ट में अगर आप वहाँ पे जाओगे तो लिखा हुआ होता है नो ओवरनाइट पार्किंग, तो वहाँ पे आप ओवरनाइट पार्किंग नहीं कर सकते हो, बट इन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे यहाँ पे कर सकते हो। मैंने इनको बोला मुझे वन नाइट के लिए करना है और फिर मैं जाऊँगा कनाडा, और मैं पहली बार जा रहा हूँ कनाडा में, वो मुझे पता नहीं है कनाडा में कहाँ कहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा, और मैं नई नई लोकेशंस ढूंढ के आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग अमेरिका कनाडा में इस तरीके से वैन से या आरवी से या कैसे भी अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना चाहते हैं और फ्री में नाइट स्टे करना चाहते हैं कहीं पे, तो आपके लिए भी मेरी वीडियोस जो होंगी आने वाली वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।